निभाई, वो अगर अपने अंतर्मन को थोड़ा सा टटोलेंगे, उनको भी ध्यान में आएगा कि ये हम क्या करके बैठे, किस पद्धति की सरकार हमने बनाई। और इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी वहां की राज्य सरकार से गुजारिश है कि चीजों को संभालने के लिए सभी का सहयोग लेते हुए और विशेष रूप में स्वास्थ्य सेवा के बारे में लोगों को अगर सरकार के प्रति जो विश्वास की भावना होनी चाहिए वो ही नहीं होगी तो सरकार कैसे चलेगी और कैसे जनता को ये कोरोना के कारण जो आपत्तियां है उसके साथ लड़ने का साहस निर्माण होगा, ये नहीं होगा भाई साहब। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरी चर्चा करते समय हमारे राज्यों में जो भी हो रहा है, कई राज्य ऐसे जहां पर आज और कल छुट्टी ये लॉकडाउन है, फिर चार दिन के बाद और एक लॉकडाउन है, अरे लोग क्या क्या दिमाग में रखेंगे और कुछ प्लानिंग करना होता है वो कैसे करेंगे, मगर किया क्योंकि गंभीरता नहीं है, केवल लॉकडाउन नाम के वास्ते करना है कि हमने लॉकडाउन किया ये बताना है। तो माननीय और मुझे आपके सम्मुख केवल इतना ही कहना है कि अगर कोरोना की लड़ाई में एक गंभीरता आती है, राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय से अच्छे ढंग से काम करता है तो मैं मानता हूं कि इस कोरोना के संकट पर निजात पाने के लिए, उस पर मात करने के लिए जनता के सहयोग से, और जनता के सहयोग की बात मैं क्या करूं, जिस पद्धति से सिविल सोसाइटी ने इसमें सहयोग दिया है, मुंबई में कई जगह पर, पुणे में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक पूरा वो पहनते हुए और पीपीई किट कई घरों में जाकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर करने के पहले और करने के बाद 14-14 दिन का क्वारंटाइन सहन करते हुए उन्होंने काम किया, मगर दुर्भाग्यवश हमारे विपक्ष के नेता नहीं मानेंगे। मैं दलगत बात नहीं कर रहा हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस पद्धति से अपना सामाजिक योगदान, चाहे भोजन की व्यवस्था हो चाहे यातायात की व्यवस्था की हो, भारत के राजनीतिक दलों के इतिहास में ये एक स्वर्णिम प्रकरण है। और मैं मानता हूं कि सारे राजनीतिक दल इसी काम में लगे और देश को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर अपना भी योगदान दे, इतना ही विनम्र अपील करते हुए मैं अपने भाषण को। माननीय सदस्यगण, कृपया माननीय सदस्यगण, मेरा एक निवेदन है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैसा आप जानते हैं, जिसको लेकर के आपने माननीय चेयरमैन साहब से आग्रह भी किया। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अगर हम आरोप प्रत्यारोप के बजाय क्या हालात है, कैसे हम निकल सके, अगर हम सब क्रिएटिव सजेशन दें तो ज्यादा बेहतर होगा। माननीय जिया जी, आप कुछ कह रही थी, आप बताएं। डॉक्टर सहस्रबुद्धे की बहुत सम्मान करती हूँ, मगर मैं घर जाने वाली थी, मगर इनके भाषण को सुनकर मैं वापस आ गई। मुझे ये कहना है कि मेरे परिवार में भी लोग पीड़ित रहे हैं, और जिस तरह से सिर्फ उनका ही नहीं, उस अस्पताल में लोगों का देखभाल हो रहा था, जिस तरह से मुंबई के सड़कों में सैनिटाइजेशन हो रहे एवरी आवर, इट इज इनकम्पेरेबल। इस विषय को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, प्लीज नहीं, नो माने डेरिक जी, आपका संजय जी मौका आएगा, आपका ऑलरेडी नाम। माननीय डेरिक ओब्रायन जी। सर, वी हर्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम द हेल्थ द मिनिस्टर, देन वी हर्ड द स्पीकर इन देयर वेरी बिजी शेड्यूल।